जब अपने आर्यन भैया ये डायरी खोलकर पढ़ते हैं तो जोरों से हवाएं चलने लगती है, पर लगता है कि ये हवा सिर्फ आर्यन के कपड़ों और बालों को लगती है क्योंकि इस डायरी के पन्ने बिल्कुल नहीं हिल रहे। मतलब हवा चल रही है तो डायरी के पन्ने भी उड़ने चाहिए थे। इस सीन में जब ये लोग नीचे उतरते हैं, नहीं नहीं इस वाले सीन की मिस्टेक मैं नहीं आप लोग बताओगे, तो फिर मिलता है 10 सेकंड का समय, गौर से देखो और बताओगे क्या है मिस्टेक। तो मिला कुछ। अब जिनको मिस्टेक मिल गई वो नीचे कमेंट करके बता भी दे, और जिनको नहीं मिली उनको तो मैं बताऊंगा ही। तो मिस्टेक ये है कि जब ये लोग हेलीकॉप्टर में से नीचे उतरते हैं तो अभी अंदर कोई नहीं है, पर बाद में अचानक से हमारे आर्यन भैया भी आ जाते हैं अंदर से। अब ये कहां से आए सेनोरिटा? इस सीन में ट्रेन चल रही है और ट्रेन के चलने से जोरों की हवाएं भी चल रही है, और यार इस हवा से किताब के पन्ने उड़ते हैं, आर्यन के बाल भी उड़ते हैं, पर पता नहीं क्यों अपनी जैकलीन के ना ही दुपट्टा हिलता है और ना ही बाल हिलते हैं। अब यार ये कैसी हवा है जो सिर्फ आर्यन को लगती है। इस सीन में जब ये भाई गोली चलाता है तो ये गोली चलाने की बस एक्टिंग करता है क्योंकि इसने बंदूक का ट्रिगर विगर दबाया ही नहीं, पर फिर भी गोली चल जाती है। इस सीन में आर्यन भैया जमीन पर मिट्टी में यूं मारते हैं तो इन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर कैसे यार, क्योंकि ये मिट्टी है, कोई फर्श थोड़ी है, जिस पर यूं हथौड़ा मारकर पता लगा लिया कि अंदर क्या है। मतलब ये मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर यूं मारने से थोड़ी पता चलेगा कि अंदर क्या है। जब आर्यन अखबार पढ़ता है और उसी टाइम पर ये बच्चा जोरों से किताब पढ़ता है, आज से तुम्हें दुनिया हनुमान कहकर बुलाएगी, तो आर्यन को कुछ याद आने लगता है। पर जब इसे याद आता है तो अब उस बच्चे के किताब पढ़ने की आवाज भी नहीं आ रही। मतलब बच्चा भी किताब पढ़ता बंद हो गया होगा कि आर्यन को कुछ याद आ रहा है। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपके मिस्टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।